Assalamualaikum everyone, this is Marvi Khan and here we are with our second learning bite. And this learning bite is specially designed for parents because हमें बहुत सारे cues और comments मिल रहे थे कि इस वक्त में बच्चों को engage कैसे करें. So actually I have prepared a list of activities that you can do with your children at home so to engage them. Not just for the time period, but these activities will develop life skills in your kids. Yes, जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाएंगे उनको ये skills ताकि वो जब वो बाहर निकले, so they are better human beings. But before I move on to the core topic, कुछ छोटी सी बात शेयर करूँगी आपसे. अल्लाह ने हर चीज़ में खैर और शर दोनों के पहलू रखे होते हैं. जिस चीज़ में खैर का पहलू ज़्यादा हो जाता है वो चीज़ हमारे लिए अच्छी हो जाती है, और जिस चीज़ में शर का पहलू ज़्यादा हो जाता है डेफिनेटली वो चीज़ हमारे लिए बुरी हो जाती है. यहाँ तक कि जब जुए और शराब का जिक्र आया कुरान में तो अल्लाह ने बहुत क्लियरली कहा कि उनको बता दीजिए कि उनके गुनाह उनके फ़ायदे से ज़्यादा हैं. सो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि उसमें कोई फ़ायदा नहीं, मगर ये बताया गया कि उसमें शर का पहलू ज़्यादा है. तो सिमिलरली ज़िंदगी में जब कोई मुश्किल वक्त आता है उसको बेहतर तरीके से कोप करने का तरीका ये है कि उनमें खैर के पहलू ज़्यादा तलाश हो जाए. डेफिनेटली एक मुश्किल वक्त है कि जिसमें शर के पहलू बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं, मगर बच्चे हमारे पास घरों में हैं. इस वक्त को अपने लिए खैर का पहलू बनाइए, बच्चों को ऐसे इंगेज कीजिए ताकि जब वो बाहर निकले सो दे आर बेटर बीइंग्स. यस, विद दिस नोट लेट्स बिगिन विद द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज. बेसिकली आज हम करने क्या जा रहे हैं, टुडे आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग विद यू द एक्टिविटीज दैट विल डेवलप लाइफ स्किल्स. लाइफ स्किल्स क्या है, जब हम बात करते हैं लाइफ स्किल्स की, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, रेजिलियंस, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग एंड ऑल दैट स्टफ, जो बच्चे को बेहतर जिंदगी गुजारने में मदद करेंगे. और ये सारी लाइफ स्किल्स आर नॉट डेवलप्ड कम्प्लीटली इन स्कूल्स, आर कैन नॉट बी डेवलप्ड थ्रू एकेडमिक्स कम्प्लीटली, मगर जिंदगी के काम करने से ऑन ग्राउंड रियल लाइफ सिचुएशंस को हैंडल करने से आती हैं. एक छोटी सी रिसर्च शेयर करूँगी, हॉवर्ड ग्रांट स्टडी जो कि इंसानी हिस्ट्री की सबसे लंबी स्टडी है, 75 सालों पर हुई स्टडी है, दैट सेज कि इंसान की कामयाबी और खुशी दो चीज़ों पर डिटरमिन करती है. पहली चीज़ लव एंड रिलेशनशिप, जिस पर आज हम बात नहीं करने वाले, मगर दूसरी चीज़ है वर्क एथिक्स. यस, वर्क एथिक्स ना यू से कि वर्क एथिक्स और लाइफ स्किल्स का क्या कॉम्बिनेशन है. द सेकेंड रिसर्च सेज द पीपल हु हैव फार बेटर वर्क एथिक्स आर दोज who have been engaged in household chores from a very early age. Yes, जो लोग घरों के कामों में 3 से 4 साल की उम्र से engaged होना शुरू कर देते हैं, they are far better in their work ethics. अच्छा, अब इससे अगर आपको ये लग रहा है कि this LLB is only for going to be for girls because मैं घरों के काम की बात कर रही हूँ, so एक और Harvard की research ये कहती है, the males who have the willingness and capacity to do household chores are far better doing in their career and are happy. Yes. So this LLB is for you both, for your boys and girls. So let's see कि ये जो skills मैंने अभी आपको बताई है, what are the activities that will help you develop these skills? बहुत basic activities होंगी, मगर you'll be amazed to see कि कैसे वो आपके बच्चे में ये skills develop करें. So first thing in my list is making food. Yes, खाना बनाना. आप 3 से 4 साल की उम्र से start कर सकते हैं बच्चों के साथ ये skills सिखाना, जब आप उनको बिल शेक्स बनाना, जूस बनाना, salads assemble करना, in fact table setting से लेके start कीजिए, जब वो आपके साथ खाना serve करें, table संभालना, table उठाना, बर्तन समेटना, बर्तन उठाना, बर्तनों को किचन तक पहुँचाना, इसके बाद salads, juices, milkshakes, सीरियल्स, वो सब चीज़ें जो नो जिसमें छुरी का इस्तेमाल नहीं होता, जिसमें चूल्हे का इस्तेमाल नहीं होता, वो सब चीज़ें स्टार्ट की जा सकती हैं. स्लोली एंड ग्रेजुअली टीच देम द नाइफ स्किल्स, टीच देम द बेसिक स्टोव स्किल्स. अच्छा, खाना बनाना मैंने लाइफ स्किल्स से इसका क्या ताल्लुक है, आपको पता है खाना बनाना में नॉट ओनली टीच देम के चाय कैसे बनानी है या अंडा कैसे उबालना है, बट खाना बनाना विल टीच देम मेजरमेंट, खाना बनाना विल टीच देम प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, लिविंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना, एंड इवन रीडिंग, अगर वो लोग पढ़ के रेसिपी बना रहे हैं. सो येस, खाना बनाना इनकॉर्पोरेट्स ऑल दीज लाइफ स्किल्स. सो लेट्स एंगेज योर चिल्ड्रन इन मेकिंग फूड घरों पे जब वो बैठे हैं इस टाइम पे, क्योंकि यूजुअली हम एक बहाना सुनते हैं ना कि बच्चे बहुत मसरूफ़ होते हैं, सारा दिन में सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को अकेडमी होती है, कहाँ से सीखेंगे वो सारी चीज़ें. You have a time now कि आप बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखा सकते हो. द नेक्स्ट थिंग दैट इज इन माई लिस्ट इज क्लीनिंग. येस, सफाई, स्टार्टिंग फ्रॉम themselves एंड देन फ्रॉम मूविंग अराउंड. आपको पता है 2 से 3 साल के बच्चे सफाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रॉम द टाइम वेन दे स्टार्ट पेइंग अदर टॉयज, अपने खिलौने समेटने से लेकर अपने कमरे की बेडशीट को सेट करना, अपना बेड बनाना, यहाँ फिर मॉपिंग, फिर वाइपिंग, फिर स्वीपिंग, फिर डस्टिंग एंड ऑल दोज स्टफ इंक्लूडेड. क्लीनिंग इंसान को ऑर्गेनाइज रखती है, क्लीनिंग हेल्प्स इन्वॉल्व क्रिटिकल थिंकिंग इन योर डिसीजन मेकिंग, बिकॉज आप ये सोच, यहाँ तक ये भी सोचना होता है अच्छा यहाँ से इस मेज को उठा के मेरी सफाई कैसे करनी है, इट इन्वॉल्व थिंकिंग प्रोसेस बेसिकली. सो क्लीनिंग इज
such thing that will help develop life skills, that will make your child confident, that will make your child organized, and these are the work ethics that your child will need after in 20 years of life. 20 saal ke baad usne kaam pe jana hai na, to uske ye skills uske zyada kaam aani hai. So yes, teach your children and engage your children in cleaning. So the next thing I'm going to be sharing with you is self-defense. Self-defense, अपना दिफा करना, आप 3 से 4 साल की उम्र से बच्चे को स्टाना कर स्टार्ट कर सकते हैं और अगेन इसके एडवांस लेवल बढ़ते जाएंगे, इनके टीन्स तक जा सकते हैं इसके एडवांस लेवल. छोटे बच्चों में जहाँ पे बच्चे अपने आप को किसी एडल्ट के पैरों के इर्द गिर्द लॉक कर लेते हैं ताकि कोई उनको उठा ना सके, शोर मचाते हैं, सेंस करना सीखते हैं डेंजर को. यस, इस उम्र के बच्चों में गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है और हम एज पेरेंट उसको दबा छोड़ते हैं. क्या सोचो, क्या उल्टी पाती भी को बात हुई, इसमें भी को लॉजिक हुआ. रिमेंबर, इस उम्र के बच्चों की गट फीलिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए फॉर देयर सेल्फ डिफेंस. उनको एतमाद दीजिए कि अगर कुछ गलत भी वो सोच रहे हैं, सो नेक्स्ट टाइम दे विल हैव, उनके सेंसेस विल वर्क मोर टू हेल्प देम कि अच्छा ये मैंने सोचा था, ये इस वजह से शायद गलत हुआ, नाउ दिस इज द थिंग आई हैव टू थिंक ऑन ताकि मैं इस पैटर्न को सही कर सकूँ. सो जितना उनकी गट फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना वो अपना उनका सेल्फ डिफेंस और डेंजर को सेंस करके प्लान करके उस पर एक्शन लेने का उनकी स्किल जो है वो डेवलप होगी. सेल्फ डिफेंस बच्चों में ना सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है, उनकी उनकी खुद एतमादी को बुलंद करता है, बट एक्चुअल में सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ध्यान, डिसीजन मेकिंग, राइट टाइम पे डिसीजन लेना, ये सारी स्किल्स बच्चों में सेल्फ डिफेंस सिखाता है. एंड द नेक्स्ट स्किल इज ऑफकोर्स लॉन्ड्री, कपड़े और धुलाई. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कवर्ड. जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी कवर्ड अरेंज करना स्टार्ट कर सकते हैं, सॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं कपड़ों को, सीजन वाइज भी, कलर वाइज भी, शर्ट्स, टी शर्ट्स, पैंट्स को अपनी अलग अलग कर सकते हैं, फोल्डिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, अगेन आयरन करना स्टार्ट कर सकते हैं, वॉशिंग और लॉन्ड्री की तरफ चले जाते हैं, डिटर्जेंट कितना इस्तेमाल करना है, हाथ से कपड़े कैसे धोने हैं, मशीन में कैसे धोने. दीज आर द स्किल्स, दीज आर द लाइफ स्किल्स. ओके, अब लॉन्ड्री करना या कपड़ों को सेट करना बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्टफ सिखाता है बच्चों को, प्लानिंग करना सिखाता है, क्रिएटिव थिंकिंग सिखाता है, क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व हो जाती है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व हो जाती है अदरवाइज. सो दिस इज द स्किल दैट विल हेल्प देम मेक कॉन्फिडेंट, दैट विल हेल्प देम बिकम इंडिपेंडेंट इन लाइफ. मोहब्बत वो नहीं होती जो आपको डिपेंडेंट करती है, मोहब्बत वो होती है जो आपको खुद प्यार देती है, जो आपको इंडिपेंडेंट करती है. सो टीच योर चिल्ड्रन लॉन्ड्री कैसे करनी है, उन्होंने अपने आप को कैसे साफ रखना है और अपने कपड़ों को कैसे साफ रखना है. बाय द वे, द रिसर्च सेज कि 10 इयर्स तक के बच्चे को अपनी कंप्लीट लॉन्ड्री करनी आनी चाहिए. यस, नाउ आप सोचो कि हम तो अपने टीन्स तक को ऐसे ट्रीट करते हैं कि अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो उसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए. 10 साल तक के बच्चे को अपनी मुकम्मल लॉन्ड्री करनी आनी चाहिए. द नेक्स्ट थिंग इज फर्स्ट एड. यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टाइम टू टीच योर किड्स टू एक्चुअली लर्न कि इब्तदाई तिब्बी मदद कैसे दी जाती है. कट लग जाता है तो कैसे बैंडेज करनी है, आइस कैसे करना है जख्मों के ऊपर, डिटोल से साफ कैसे करना है, बैंडेजेस कैसे बांधनी है. इसके अलावा इंटरेस्टिंगली घरों में कोई बुजुर्ग हो, बिकॉज दिस इज द टाइम जब हम ख्याल रखते हैं ना दूसरे का, तो घरों में जो बुजुर्ग है उनकी दवाइयों का टाइम कैसे होता है, उनको पानी के साथ दवाई देते हैं, चाय के साथ देते हैं, दूध के साथ देते हैं, वो सारे स्किल्स बच्चों को सिखाइए कि मरीज की तीमारदारी कैसे की जा सकती है और उनको सेल्फ फर्स्ट एड कैसे दी जा सकती है. ये स्किल्स बच्चों को सिखाइए. दिस विल टीच देम इमोशनल इंटेलिजेंस, दिस विल टीच देम क्राइसिस से कैसे गुजरना है, दिस विल ऑल्सो टीच देम प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्ञान, दिस विल ऑल्सो टीच देम कि जो सोशल उनके स्किल्स दैट विल डेवलप और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज वो एक फैमिली की सिचुएशन से निकल कर अपने कॉन्शियस माइंड को यूज़ करके उस टाइम को बेहतर तौर पर यूटिलाइज कर सकेंगे. And the next very important skill to teach your kids is budgeting. Yes, जो घर खर्च है उसको आप कैसे चलाते हैं. आई मीन या भी शायद एक महीना बच्चे आपके पास घरों में होंगे, सो आप इस उनके साथ बैठ के घर खर्च बनाइए कि हमारे पास इतने पैसे होते हैं, इतने पैसे यूटिलिटीज में जाते हैं, इतने पैसे. दिस विल हेल्प देम अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी के पैसे कमाए कैसे जाते हैं, पैसे खर्च कैसे किए जाते हैं. अगैन उनकी कैलकुलेशन, मेंटल मैथ्स इंप्रूव होगा, लिटरेसी साफ साफ चल रही है हमारे. यस, और प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेंगे, क्रिएटिविटी सीखेंगे. अच्छा, अगर हम यहाँ से कम करके यहाँ पे डालें तो क्या होगा. सो आस्क देम क्वेश्चंस लाइक दीज. घर में साथ बैठ के उनके बजट बनाइए एंड यू विल सी अमेजिंगली कि आपके बच्चे जब नेक्स्ट टाइम ग्रोसरी करने जाएंगे ना, उन बजट उन्होंने साथ बनाया होगा तो वो आपको तंग नहीं करेंगे कि मुझे फलाना वाला टॉय लेना है, मुझे फला वाला टॉय लेना है. एंड यू लव टू सी देम ग्रोइंग, गेटिंग मैच्योर, गेटिंग डेवलप्ड. Yes, the next very interesting and I love the skill that is gardening and bagwani. इतनी खूबसूरत skill है. I know we don't have to go out, मगर अगर घरों के बीच में कोई बाग है तो वहाँ पे जाइए, बच्चों को पौधा लगाना सिखाइए, बाग की सफाई करना सिखाइए, सूखे पत्ते कैसे निकालने हैं,
फूलों का ख्याल कैसे रखना है। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि ये टाइम जब बच्चे घरों के हैं ना, कोई एक पौधा उनके साथ किसी कुनाली में लेके, बेशक कोरिएंडर सीड से क्यों ना हो, वो ग्रो कीजिए। इससे क्या होगा कि दे विल सी इट ग्रोइंग डे बाय डे, एक होप उनके अंदर आएगी, बिकॉज वो एक पौधे को रोज आना बड़े होते हुए देखेंगे, और बाय द टाइम दे विल ग्रो आउट तो वो पौधा भी उनके साथ थोड़ा सा बड़ा हो चुका होगा। यू विल इन वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली बच्चे रोजाना उस पौधे को ऑब्जर्व करेंगे, दे कैन टॉक टू इट, अगेन इमोशनल डेवलपमेंट होगी, उनकी नर्चरिंग होगी, दे विल इंजॉय द प्लांट ग्रोइंग अप। डेली इनको देखिए कि अच्छा आप कैसे बड़ा होता है, आप कैसे बड़ा होता है, एक होप भी आएगी, गार्डनिंग का स्किल भी आएगा, इट्स अ लाइफ लॉन्ग स्किल दैट वी आर गोइंग टू बी इनकल्केटिंग इट, बिकॉज अगेन सुन्नत है कि अगर कयामत का भी आपको इल्म हो कि कल कयामत है तब भी दरख्त लगाइए। सो इसको कंटिन्यू करते हुए टेल योर किड्स के बागवानी कैसे करनी है, ये सारे स्किल्स मट्टी के साथ तो वैसे ही खेल रहे हैं, बच्चों में इम्यूनिटी बहुत डेवलप होती है, हाथ धोना बहुत जरूरी है इस वक्त में, मगर अगर आपके पास बाग है तो बागवानी सिखाइए, और अगर बाग नहीं है तो गमला ले आइए, उस पर कोई ना कोई पौधा जरूर लगाइए। सो टीच योर किड्स टू प्लांट, टीच योर किड्स टू हेल्प प्लांट्स ग्रो। अच्छा दोस्त, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इज रिपेयरिंग एंड फिक्सिंग। यस, एक्चुअल में ये रिपेयरिंग एंड फिक्सिंग का मतलब है कि औजारों को इस्तेमाल कैसे करना है। माइक्रो में हथौड़ी होती है, स्क्रू ड्राइवर होता है, प्लास होता है, पेचकस होता है, ऑल दीज किड्स चीज़ों को यूज़ कैसे करना है। अच्छा, ये नेल कील कैसे ठोकना है, पेच कैसे खोलना है, किसी बल्ब को कैसे फिक्स करना है, ये सब चीज़ें बच्चों में वो कॉन्फिडेंस पैदा करेगी, फिजिक्स की तरफ उनका रुझान भी पैदा हो सकता है। अगर मैं तो बहुत टिपिकली डायमेटिकली बात करूँ तो इंटरेस्टिंगली बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिव थिंकिंग बच्चे इसके साथ सीखते हैं, दे लर्न हाउ टू बी रिजिलिएंट, दे लर्न हाउ टू डिसीजन मेकिंग सीखते हैं कि अच्छा इसको ऐसे नहीं घुमाते, ऐसे घुमाते खोल के चीज़ों को बंद करेंगे। सो टूल किट जो है उसके घर में इस्तेमाल कीजिए, टूल किट को लेते हुए बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, और रियल लाइफ में ये वाली वो एक्टिविटीज़ होंगी दैट विल हेल्प देम अंडरस्टैंड कि हम कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करें घरों में। सो हेल्प देम कि कुछ चीज़ टूट गई है उसको फिक्स करते हैं, हेल्प देम कि कुछ चीज़ रिपेयर होने वाली है, लेट्स रिपेयर इट एट होम। हम बाहर तो नहीं जा सकते, हम खुद से करके देखते हैं कि हमें इसको रिपेयर कैसे करना है। लास्ट बट नेवर द लीस्ट इज सिलाई, यस स्विंग। अभी अब ये बिल्कुल टिपिकली शायद लड़कियों वाला काम आपको लग रहा होगा, मगर इट इज़ नॉट, सिलाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, फोकस और कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करती है बच्चों में। बटन लगाना से लेके जो बेसिक फेल्ट के ऊपर सिर्फ बेसिक स्टिच के थ्रू आप जो सुई का ऊपर नीचे आना होता है, दैट हेल्प्स डेवलप कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस इन चिल्ड्रन। प्रॉब्लम सॉल्विंग उनको सिखाती है, सेफ्टी का ध्यान, बच्चे एक साइड पे अपने हाथ की सेफ्टी रख रहे होते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग स्किल है। बीडिंग से स्टार्ट होती है, 2 से 3 साल के बच्चों को हम जो बीड करते हैं पिरोते हैं वहाँ से स्टार्ट होती है, एंड देन गोज मूव ऑन टू द एडवांस स्किल्स। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं टीन्स को तो आप पैटर्न कटिंग तक सिखा सकते हैं, मगर YouTube पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, इफ़ यू डोंट नो तो ऑफ कोर्स आप उनके साथ मिलकर सीख सकते हैं। सो दिस इज वन सच थिंग दैट विल हेल्प चिल्ड्रन डेवलप लाइफ स्किल्स अदरवाइज, एंड ये वाली स्किल तो उनको वैसे जिंदगी में बहुत काम आएगी, ट्रस्ट मी। अच्छा, अभी जो साइड लिस्ट मैंने आपको बताई उसको बताने के बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चों को स्किल्स सिखाना इज अ प्रोसेस, एक दफ़ा बता देने से वो नहीं सीखते, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स पेशेंस। ओवर क्रिटिसिज्म, मतलब उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करना, वो सारे चार्म को किल कर देगा। माइंडेड बच्चे ये स्किल कभी भी ऐसे नहीं सीखेंगे कि ये करो ऐसे करो वैसे करो, वो ये सीखने वाले नहीं है। ये स्किल सिखाने के लिए आपको तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे, मेक देम गेम्स, इंक्लूड देम इन कॉम्पिटिशंस, डेमोन्स्ट्रेट देम, सीख देम असिस्टेंस, मेरी मदद तो कीजिएगा, मैं ये काम करी हूँ या मैं काम कर रहा हूँ, सीख असिस्टेंस फ्रॉम देम, उनको लगेगा कि अच्छा हमको स्पेशल करें, अपने पेरेंट्स की कुछ हेल्प करने लगे। सो दिस इज हाउ यू कैन टीच देम। आप उनको कभी भी ऐसे नहीं सिखा सकते लाइक ऑर्डरिंग करने से, आप उनको नहीं सिखा पाएंगे स्किल्स, बिकॉज ये उनको दूर करेंगे सारे स्किल्स से। इनको सिखाने के लिए मेक देम इंटरेस्टिंग, एड फन वेयर एवर यू कैन, क्रिटिसाइज बिल्कुल कम क्रिटिसाइज करना है, और रिमेंबर अगर उन्होंने कुछ खराब भी किया उसको रीडू नहीं करना आपने, क्योंकि अगर आप रीडू करेंगे तो उनके दिमाग में ये फीलिंग पैदा होगी कि दिस वॉज वर्थलेस, मैंने जो भी किया ये तो खराब है, मैंने दोबारा ठीक करें तो अच्छा आप ही कर लें। स्पेशली व्हाइल यू आर टीचिंग देम क्लीनिंग एंड ऑल और लॉन्ड्री, उनको रीडू नहीं करना, थैंक यू कीजिए, मेक देम फील कि उन्होंने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया घरों में। This will give them the strength, this will give them the motivation. With this, I trust if you are going to be engaging your kids within these activities, time kaise guzar jayega pata bhi nahi chalega. It will also help you. Yes, it will also help you. It will help kids learn better life skills. I wish all the parents jis waqt ko apne liye नाफे बनाइए, अपने बच्चों के लिए नाफे बनाइए। वी विल कीप कमिंग बैक टू यू, अपने कमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे लिखते जाइए, शेयर योर क्वेश्चंस विद अस सो दैट वी कैन कीप रिजॉल्विंग देम। एवरीवन स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह।